नमस्ते डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आर एनडी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस ब्लॉक नंबर 8, टॉपिक नंबर 3। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल द रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज व्हिच वी नीड आर द क्ले, मींस क्ले डो, द कंटेंट बुक, नोटबुक, योर वर्क बुक, योर पेंसिल एंड द मॉडल्स व्हिच यू हैव मेड इन योर टॉपिक नंबर 1, दैट इज द ब्रेन मॉडल एंड द नर्व सेल मॉडल। ठीक है, वो हमें चाहिए होगा। बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, एज यू नो दैट वी हैव टू रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रीवियस टॉपिक? नर्व्स। यस, नसों के बारे में हमने पढ़ा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्व्स आर देयर इन आवर बॉडी? वी हैव 3 टाइप ऑफ नर्व्स। वेरी गुड। वन इज सेंसरी नर्व। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेंसरी नर्व? सेंसरी नर्व्स होती हैं वो हमारे बॉडी पार्ट में से, कोई भी बॉडी पार्ट है वहां से मैसेज लेती है एंड इट सेंड टू द ब्रेन। वो हमारे ब्रेन में वो मैसेज भेजती है। वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन, दैट इज अ मोटर नर्व। यस, मोटर नर्व का क्या फंक्शन होता है? हाँ, मोटर नर्व जो होती है वो क्या करती है, ब्रेन के जो मैसेजेस, अब हमने क्या किया, सेंसरी जो नर्व है उन्होंने मैसेज भेजा ब्रेन में। अब ब्रेन में तो वापस मैसेज करेगी, वो मैसेज किसके थ्रू करती है? वो मैसेज करती है मोटर नर्व के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड वन इज अ मिक्स नर्व। यस, और मिक्स नर्व कौन सी नर्व होती है? जो सेंसरी नर्व का भी काम करती है, जो किसका काम करती है? यस, जो हमारा मोटर नर्व्स का काम करते हैं। वाह वाह, गुड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक कनेक्टिविटी क्वेश्चंस करते हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी में ब्रेन है, हमारी बॉडी में नर्व्स है, हमारी बॉडी में बोन्स है, फिर वर्क कैसे करते हैं आपस में? उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्या होता है वो सिस्टम और कैसे वो वर्क करता है? कैसे हमारे मेरे हाथ ने बोला तुम हाथ उठा लो, तुम ये कर लो, तुम लिख लो, ये डब्ल्यू नहीं है, एम होता है, ये ऐसे होता है, कैसे होता है सब कुछ, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आवर टॉपिक एंड द एम फॉर दिस टॉपिक। सो टॉपिक नंबर 3 ऑफ ब्लॉक 8 इज नर्वस सिस्टम। जो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। नेक्स्ट लेट्स सी द एम ऑफ द टॉपिक इज एक्सप्लेन how the nervous system controls and coordinates the working of the body। हम ये चेक करेंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम है। अब आप ये मान चुके हैं कि हमारी एक नर्व है, वो नर्व जो हमारी नर्व है, सेंसरी नर्व ने मैसेज भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने भेज दिया मैसेज वापस हुआ बॉडी पार्ट्स को, बट जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है हम आज वो पढ़ेंगे। एंड वी विल सी हाउ इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द बॉडी, मीन्स जो हमारे बॉडी का जो कंट्रोल करना, हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करना। हम जब चल रहे हैं तो दोनों पैर एक साथ चलेंगे तो क्या हम चल पाएंगे? हमें उछलना पड़ेगा। हम कैसे एक साथ दोनों पैर उठा के चल सकते हैं, हम कैसे हैंड से ग्रिप बना के लिखते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो हमारा नर्व सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट यानी तालमेल बना के रखता है। द वर्ड इन फोकस आर दैट फर्स्ट वर्ड इज अ कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वर्ड इज अ कंट्रोल। तो आज हमारे दो वर्ड जाएंगे जो जैसे 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 आएंगे टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे हम अपनी बॉडी में पता लगाते हैं कि हमें ये काम करना है, ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, क्या होता है? माय क्वेश्चन इज व्हिच सिस्टम ऑफ द बॉडी डू द नर्व्स एंड ब्रेन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। हमारी जो ब्रेन है और जो हमारी नर्व्स है ये मिलकर कौन सा हमारे बॉडी में सिस्टम डेवलप करती है, बनाती है? इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। यस, वो नर्वस सिस्टम नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दिस सिस्टम वर्क, जो नर्वस सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है, क्या इसका क्या वर्किंग है, क्या आपको मालूम है? नहीं, तो आज हम ये ही पढ़ेंगे ना। हाउ डज द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उन बॉडी के पार्ट्स में कोऑर्डिनेट करके रखता है, आज हम यही पढ़ेंगे। अब आपने एक्टिविटी करनी है। द एक्टिविटी इज दैट
As you know, that you have a dough, है ना, आपका क्ले है, तो क्ले से आप क्या करोगे? That you will be making any model of one sense organ. कोई भी sense organ आपने draw करना है. We have five sense organ. Eye है, nose है, then we have the tongue, then we have the ear, and then we have the skin. कोई भी आप sense organ draw करो. Draw करने के बाद हमें क्या करना है? आपका जो brain जो आपने बनाया था, topic number one में brain, और जो आपने टॉपिक नंबर टू में क्या बनाया था, आपने नर्व सेल, जो आपने नर्व सेल बनाए थे, ये दोनों की हेल्प से आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है कि इन दोनों की हेल्प से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा. क्लियर? ये करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी नोटबुक उठा रही हूँ, तो जो मेरे हैंड्स हैं वो कैसे उसको उठा पा रहे हैं, कैसे उसको पिक कर रहे हैं, कौन मुझे कह रहा है इसको उठाओ, कौन मुझे कह रहा है हाँ ये उठ चुकी है अब तुम्हारे हाथ में, ये सारा आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है? ये करने के बाद आई विल टेल यू व्हाट एल्स यू हैव टू डू फॉर मेकिंग द नर्वस सिस्टम. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर कंटेंट बुक ऑफ पेज नंबर 46. आप पेज नंबर 46 से आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम है वो आप देख के अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते हैं. Please draw in your notebook and write the heading like I have done, the day, block A, topic 2 and that question. Draw a diagram to show how the working of this sense organ is controlled by the brain. Brain se sense organ kaise control hote hain, aapne ye likhna hai. Theek hai? Just have a look. I have made two sense organs. One is the nose. And the another one is the eye, my आँख, है ना? And just have a look how I have done the activity. I have made a human body, then I have made a brain, then the backbone and the nerves, spinal cord and the nerve I have made. Now what you are now you have to read the content from your content book. Under the heading function of the nervous system from page number 46. Please read that. If you have the book, that's good. Otherwise, I'm going to read it for you. Functioning of nervous system. The brain, spinal cord and the nerves work together to control and coordinate the activities of the body. जो हमारी ब्रेन होती है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा नर्व्स का बहुत बड़ा जो हमारा बंडल्स होता है, बंच होता है, जो हमारे बैकबोन में होता है वो, और जो नर्व्स, जो हमारी नसें होती हैं, वो आपस में कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज को. द सेंसरी नर्व्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड इट टू द ब्रेन. और जो सेंसरी नर्व्स जो हमारी होती है वो क्या करती है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या करती है, मैसेज लेती है, और वो कहाँ भेजती है, वो हमारे ब्रेन में भेजती है. द ब्रेन गिव्स कमांड्स विच आर सेंड बैक एज सिग्नल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द मोटर नर्व्स. फिर हमारी जो ब्रेन क्या करती है, जो उसको सिग्नल्स मिले हैं उनको वापस भेजती है हमारे बॉडी पार्ट्स में, और किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू. जो हमारे ये नर्व्स हैं, नर्व्स ये हमारी नर्व्स क्या होती है, यहाँ से सिग्नल लेती है किसी भी बॉडी पार्ट से, और वह सिग्नल लेके कहाँ भेजती है, हमारे ब्रेन में भेजती है. ठीक है? हमारी ब्रेन में गई, फिर ब्रेन वापस से ये सिग्नल भेजता है हमारे बॉडी पार्ट्स में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द नर्वस सिस्टम कंट्रोल डिफरेंट एक्टिविटीज इन आवर बॉडी लाइक पिकिंग अप ऑफ द बुक पिक करना या बैग टक करना, जो भी है हम लोग ग्लास पिक करते हैं, ग्लास मुंह में जब दूध डालते हैं, वो सब हमारी एक्टिविटीज ये कैसे हम उन सब करते हैं. देखो क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द बुक. हमें मुझे बुक उठानी है, तो बुक उठाने के लिए क्या होगा, जो मेरी फिंगर, जब मुझे लगता है हाँ मुझे बुक उठानी इंग्लिश या हिंदी, तो क्या होगा, मैं अपनी बुक देखूंगी तो मेरी जो फिंगर है वो क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे. कहाँ भेजेंगे, मेरी ब्रेन में. फिंगर्स ने मैसेज कहाँ सेंड कर दिया, ब्रेन, हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंच गया. अब ब्रेन जो होगी उसको वो मैसेज मिल गया. अब ब्रेन है वो हमें कमांड देगी, वो हमारे ब्रेन हमें हमारे
को कमांड देगी, हमें ऑर्डर देगी कि हाँ हमें वो चीज उठानी है, यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ लग रहा है कि हमें धुआं आ रहा है, गर्म है, मुझे उठाना उठाना, तो वो चीज़ें मेरी ब्रेन डिसाइड करेगी। सो क्या हुआ, ब्रेन को मैसेज मिला बुक पिक करनी है। सो ब्रेन मैसेज कमांड देगी किसको, हमारे हैंड को, और किसके थ्रू देगी, मोटर नर्व्स के थ्रू। समझ में आ गया, हमारे हैंड ने मैसेज कर दिया ब्रेन को दिया कि बुक उठानी है, है ना। हमारे ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा हमारे हैंड ने किसके थ्रू, हमारे मोटर नर्व्स के थ्रू, और हैंड ने किसके थ्रू भेजा, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज गया ब्रेन में, ब्रेन ने कमांड दी हमारे हैंड को मोटर नर्व्स के थ्रू कि डन पिक अप द बुक, और फिर हम फटाक से बुक उठा लेते हैं। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ स्टमक एंड अदर सच ऑर्गन्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे स्टमक, जो हमारे पेट में भूख लगती है, हम हंग्री होते हैं, सो कैसे वो कंट्रोल करते हैं, और भी ऑर्गन्स हैं हमारे उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसकी वर्किंग कैसे करते हैं। देखो हमें भूख लगी तो क्या होगा, हमारे स्टमक ने क्या किया, मैसेज भेजा, और कहाँ भेजा, हमारे ब्रेन में। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने वो मैसेज दोबारा से हमारे स्टमक में भेज दिया, हम खा लो इसे जो कुछ खाना है, थ्रू विच नर्व, मोटर नर्व्स, और हमारे स्टमक ने किसके थ्रू भेजा, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। वाओ गुड। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल साइट, यानी आप देखने की जो रोशनी होती है वो, हियरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, फीलिंग एंड टेस्टिंग। हमारा हियरिंग, हमारा साइट और स्मेलिंग हमारे सेंस ऑर्गन्स है, और एज यू नो सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे सेंसरी नर्व्स करती है। बट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट होते हैं, सो थ्री पार्ट में से कौन सा पार्ट है जो ब्रेन का, जो हमारे ये स्मेलिंग, हेयरिंग, ये गंदी बदबू है, हाई हाई बहुत तेज आवाज़ आ रही है, हाई आवाज़ सुन नहीं रही, वाओ द ब्यूटीफुल फ्लावर है, ये सब कैसे हमें मालूम चलता है, सेरिब्रम से। यस, सेरिब्रम होता है जो हमारा ब्रेन में जो लार्जेस्ट है, हमारा ब्रेन का पार्ट और टॉप मोस्ट पार्ट है, उसके थ्रू हमें मालूम चलता है। हम टेस्टिंग, आह क्या स्वाद खा रहा है, टेस्ट इतना मजेदार है ना, टचिंग, टेस्टिंग, ये सब हमें किसके थ्रू मालूम चलता है, सेरिब्रम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे सेंस जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं, जो हमारे वो नर्व्स क्या करती है, वो हमारे नर्व्स सिग्नल भेजते हैं कहाँ पर, हमारे ब्रेन, और ब्रेन जो होता है वो हमारे सिग्नल उसी टाइम दोबारा से वापस भेज देगा हमारा कहाँ पर, हमारे बॉडी पार्ट में, किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू। सो आई वांट टेल यू वन अमेजिंग फैक्ट दैट हमारी जब हम 75 ईयर्स के होते हैं तब तक हमारे 1/10 न्यूरॉन्स हमारे फिनिश हो जाते हैं, उनकी वो मर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटेलिजेंट नहीं रहोगे, रहोगे। देखिए सम मोर क्वेश्चंस, व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की देखभाल करने की जरूरत क्या है, आपको पता है कि जो भी हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी है, वो किसके थ्रू मालूम चलता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। हमें कुछ चीज़ सुंदर लगती है, हम आँख से देखते हैं, हमारा सेंस ऑर्गन। हमें अपने पेरेंट्स को पहचानते हैं उनकी आवाज़ सुनकर, उनको देखकर, हमारे सेंस ऑर्गन। हमें बाहर से आवाज़ आती है कोई भी, सुनते हैं बर्ड्स की चर्पिंग, सुनते हैं ईयर्स के थ्रू, आहा मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आज तो हलवा बना है, कैसे आती है, नोज के थ्रू, है ना। ये सहाई मम्मी इतना सॉफ्ट है, ये डॉग मम्मी, ये टेडी बियर कितना प्यारा है, इतना सॉफ्ट, ये सब कितना कोजी कोजी, हाई मम्मी ये जो ब्लैंकेट है कितना कोजी, कितना सॉफ्ट है ना, कैसे मालूम है, टच कर कर, है ना। तो ये सेंस ऑर्गन्स हमारे बहुत जरूरी है, सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। सोचिए देखो, आप मान लो आपने आईज पे एक कपड़ा बांध लेते हो, और फिर सोचो क्या कुछ देख पाओगे, दुनिया कितनी अजीब हो जाएगी ना।
तो सेंस ऑर्गन्स को टेक केयर रखना बहुत जरूरी है हमें, और सेंस ऑर्गन्स को टेक करने के लिए आप प्लीज अपने कान में या नाक में कुछ चीज ना डालो। आपको कोई प्रॉब्लम है कान में, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ एंड टेल योर प्रॉब्लम टू डॉक्टर। कोई भी प्रॉब्लम इवन नॉट ऑनली ऑफ सेंस ऑर्गन्स, कोई भी बॉडी पार्ट में कोई भी पेन होता है, जस्ट गो टू डॉक्टर एंड प्लीज टेल द प्रॉब्लम टू डॉक्टर। आपकी आईज में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आईज ठंडे पानी से धोई गई, ज़्यादा टीवी मत देखो, ज़्यादा मोबाइल से गेम मत खेलो, बहुत पास से बुक मत पढ़ो, बहुत लेट नाइट तक मत पढ़ो, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर द मैसेजेस कैन इट सो फास्ट। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, वो मैसेज लेते हैं और वो मैसेज कहाँ भेजते हैं, बहुत जल्दी से हमारे ब्रेन में, और जो ब्रेन होती है वो इमिडिएटली वो वापस रिटर्न कर देता है कहाँ पर, हमारे मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट से, इसलिए हमें बहुत जल्दी मैसेजेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ आवर लाइफ वुड बी डिफरेंट इफ द मैसेजेस डिड नॉट रीच द ब्रेन सो क्विकली। अगर हमारे जो मैसेजेस हैं वो इतनी जितनी क्विकली हमें मालूम चलते हैं वो ना हो, बहुत स्लो स्लो हो, तो क्या होगा, वो देखा गाना ऐसे आवाज़ आती है, बहुत स्लो हो तो आई मम्मी कितना बोरिंग है, हाँ इतना बोर हो गए मम्मी, कितना इतना स्लो गाना है, प्लीज़ बंद कर दो, हमारे साथ भी वही होने वाला है। आप टेस्ट में बैठोगे, क्वेश्चन आपने पढ़ा, वो आपके ब्रेन में आपको आंसर आए थे जब आपका वो क्वेश्चन जो है वो आपका आप नहीं सोच पाओगे, थिंकिंग ही नहीं हो पाएगी आपकी, है ना, आपके ब्रेन वो मैसेज आपको कुछ उठाना है, आपको कुछ उठानी है, आप सोच रहे हो ऐसे, ब्रेन में मैसेज क्या धीरे से उठा ले मैसेज आया आपका, धीरे से आप उठाओ, अच्छा उठाने, हाँ ठीक है, अब बहुत लेजी हो जाओगे ना, काम बहुत डिले हो जाएगा, धीरे 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 काम, आलसी की तरह, हाँ ये सोचते नहीं जब सुबह उठते हैं नींद में होते हैं, हाँ मम्मी उठ रहा हूँ ना, मम्मी हाँ जा रहा हूँ ना, ऐसे करते हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी ना, बहुत लोगों की तरह। सो वन मोर अमेजिंग फैक्ट फॉर यू इज दैट, क्या आपको पता है हमारे जो लेफ्ट, हमारे ब्रेन के टू पार्ट होते हैं, राइट पार्ट और द लेफ्ट पार्ट, है ना, पता है राइट पार्ट है जो हमारा वो किसको कंट्रोल करती है, लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करती है, और लेफ्ट पार्ट कॉमन सी मतलब राइट कंट्रोल करेगी। नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर S3 ऑफ पेज नंबर 46 इन योर वर्क बुक। नाउ द क्वेश्चन इज, वन, ड्रॉन लेबल लेबल द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑन द आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपने अपनी ह्यूमन बॉडी पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनानी है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा, ड्रॉ एंड लेबल अ लाइन टू शो आवर सेंसरी नर्व्स फ्रॉम द लेग, ड्रॉ द डायरेक्शन विच मैसेजेस ट्रैवल। फिर आपने ड्रॉ करके दिखाना है कि जो मैसेजेस होते हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड लेबल अ लाइन फॉर अ मोटर नर्व गोइंग बैक टू द लेग। फिर आपने मोटर नर्व बनानी है जो कहाँ पे वापस आपके लेग में आएगी, एंड ड्रॉ एरो शोइंग द डायरेक्शन इन विच मैसेजेस ट्रेवल। फिर आपने एरो भी बनानी है, मीन्स आपने पहले ब्रेन बनाना है, फिर स्पाइनल कॉर्ड बनाना है, फिर आपने सेंसरी नर्व्स बनानी है लेग से, और कैसे वो मैसेजेस भेज रहे ब्रेन में वो ड्रॉ करनी है, फिर आपने ड्रॉ करने की मैसेजेस ब्रेन से हमारे लेग में कित में कैसे दोबारा से हमारा मैसेज आया एंड मोटर नर्व्स के थ्रू, एंड फिर आपने वो एरो बनाने। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ आर नर्व्स नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू किक अ बॉल फुटबॉल कैप्ट इन फ्रंट ऑफ अस। आपके सामने सपोज एक फुटबॉल रखी है, सो हमारा नर्वस सिस्टम है वो आपको कैसे हेल्प करता है कि इस फुटबॉल को लात मार, किक मार, वो कैसे करता है, आपने ये लिखना है। थर्ड इज, हाउ डू आर आईज आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स क्विकली। जो हमारी आईज होती हैं वो हमारी आईज ऑब्जेक्ट्स को इतनी जल्दी से कैसे पहचान लेती है, एंड हाउ डज दिस हेल्प अस, और ये हमें कैसे हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स पहचानने में। नेक्स्ट, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 48।
होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेज नंबर 48 इन योर नोटबुक. हाउ डज आवर ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी की वर्किंग को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे कोऑर्डिनेट करता है. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, उसका जो मेन ऑर्गन्स है, पता है कौन कौन से हैं? स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, है ना. नाउ लेट्स सम अप व्हाट वी हैव डन टुडे. वी हैव डन अबाउट द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम की जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो हमारा ब्रेन है वो मिलके कैसे काम करता है. ठीक है, अब क्या होता है, हमें कोई भी काम करना है, मुझे बैठना है ना, तो मेरे को बैठने का मन कर रहा है, मेरे लेग्स थक रहे हैं, मेरे लेग्स थक गए तो क्या हुआ, मेरे लेग्स में जो सेंसरी जो नर्व्स हैं वो मैसेज भेजेंगे कहाँ पर, मेरे ब्रेन में. ब्रेन ने क्या करा, वो ब्रेन ने वो मैसेज उसी टाइम कहाँ भेज दिया, उसने कमांड करा और उसने कहाँ भेज दिया, हमारे लेग्स में, किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू, कि योर लेग्स आर पेनिंग नाउ यू कैन सिट. और फिर मैं बैठ जाऊँ और फिर मेरा वो बॉडी पार्ट या जो कि मैं काम करनी सोच रही हूँ वो काम मैं करूँगी. सो पहले जो सेंसरी हमारे नर्व्स हैं वो बॉडी पार्ट्स को भी बॉडी पार्ट से वहाँ से वो सिग्नल लेके जाती है हमारे ब्रेन में. ब्रेन से इमिजिएटली वहाँ पर ना सोल्यूशन, क्विक सोल्यूशन होता है, वो क्विकली सोल्यूशन जैसे गूगल में सर्च फटाक से गूगल को जाता है, ऐसे ही वो हमारा सोल्यूशन करती है. वो हमारे मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स को वो सिग्नल देती है. दिस वॉज अ topic. I hope this is clear to you. I want to tell you one more amazing fact that तुम्हें पता है जो हमारी brain होती है वो सबसे ज़्यादा energy वो utilize करती है और sense और organs के compared में. हमारे body में बहुत सारे organs हैं, sensory organs भी हैं, then we have internal organs भी हैं, है ना, और बॉडी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो कौन लेती है, वो हमारी ब्रेन लेती है. द रिसोर्सेज विच वी नीड फॉर टुमारो इज योर कंटेंट बुक, योर नोटबुक, योर वर्क बुक एंड योर पेंसिल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.